नमस्ते एवरीवन, मैं हूं मधु शर्मा योगिनी। आज मैं आपके सामने एक नई योगा सीरीज लेकर आई हूं, जिसका टॉपिक है नी पेन और जॉइंट पेन। नी पेन भी आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो लोगों में आम छोटी एज के लोगों में भी हो जाती है। उसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि एज ही मैटर करती है उसमें। इसके भी कई कारण हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं इसके। कई बार तो वेट बढ़ने से ऐसा होता है, आपका बहुत जब वेट बढ़ जाता है तो आपका सीधा जो प्रेशर है वो नी के ऊपर आता है, नी पे पेन होता है, आपके जॉइंट एंकल आपके दर्द करते हैं। और उसका दूसरा रीज़न होता है आपके अंदर न्यूट्रिशनल की कमी, क्या हड्डियों के लिए क्या चाहिए, क्या जरूरी है वो जब आपकी डाइट में नहीं आता है पूरा, आपके खाने में नहीं मिलता है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये मैंने बहुत छोटी उम्र के लोगों में भी देखी है, 25 साल से 30 साल से 35 लोगों की एज में भी ये प्रॉब्लम देखी है। बड़ी एज में तो खैर एज फैक्टर होता है, हो जाता है, लेकिन छोटी एज के लोगों में इसका मेन इशू यही है कि आपका डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है। जैसे हड्डियों के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम प्रॉपर चाहिए तो कैल्शियम की कमी है। आप जो खाते हैं उसमें आपकी जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं आती हैं डाइट में, जो जो आपके शरीर के लिए चाहिए, आपकी बोन्स के लिए क्या क्या चाहिए वो आपके खाने में नहीं मिलता है। तो उसके लिए कई बार लोग एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेते हैं बाहर से, मेडिकल से अच्छी कैल्शियम की टैबलेट ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं। लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना ये है कि आपका वेट ना बढ़ने पाए। जैसे आपका वेट बढ़ेगा आपको ये पेन शुरू हो जाएगा, तो वेट को आपको कंट्रोल करना है। और उसके लिए सबसे पहले मैं डाइट की बात करूँगी। हमारी बोन के लिए तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वो है कैल्शियम, विटामिन डी और B12। इन तीनों का बराबर लेवल होना चाहिए बॉडी में। एक भी अगर अपने लेवल से डाउन होता है तो आपको ये प्रॉब्लम सिम्टम दिखते हैं आपको। कभी आपके पैरों में दर्द होता है, कभी आपके एंकल पेन करने लग जाते हैं, तो ये सिम्टम हो जाते हैं, पता चलता है कि आपके अंदर कुछ तो कमी हो गई है। तो प्लीज़ ऐसे में आपको एक बार 6 मंथ में एक बार डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं, ब्लड चेक कराइए और उसमें देखिए कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ कम हो रही है, क्योंकि तीनों चीज़ों को बराबर रखना जरूरी है। तीनों में से कोई भी लेवल कम हुआ तो आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दूसरा है आपका वेट। जब वेट बढ़ता है तो आपको खाने पीने में ध्यान रखना है, वेट नहीं बढ़ने देना है। और उससे भी ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी, घर पे आपके घर पे ही चीज़ें मिल जाती हैं। आप मिल्क प्रोडक्ट खाइए, पनीर लीजिए, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए वेजिटेबल में कई ऐसी चीज़ें हैं। और एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, जिसको हमारी भाषा में नाचनी या रागी बोलते हैं। आपने सुना होगा शायद, नाचनी रागी बहुत कॉमन चीज़ है। तो नाचनी और रागी का आप दलिया बना लीजिए, आप उसका आटा पिसवा के उसका डोसा बनाइए या फिर उसकी रोटी बनाइए या उसका पोरिज बनाइए और आपकी डाइट में डेली उसको शामिल करिए। ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में कहीं भी आप कैल्शियम अगर नाचनी यूज़ करते हैं तो जो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आते हैं कैल्शियम की वजह से, वो सारे धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। तो मेन कॉज आपका है डाइट। और फिर एक होता है एज फैक्टर। एज फैक्टर में धीरे धीरे 35 ईयर्स के बाद हमारी बोन जो है ना वो कमज़ोर हो जाती है। एक जैसे हमारे बोन्स को एकदम से वीकनेस आ जाती है अंदर, तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है। मार्केट से सप्लीमेंट मिलते हैं आजकल, बहुत सारी चीज़ें हैं मेडिकल में मिलती हैं कैल्शियम के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि उससे भी बेटर है आप घर पे ही आप कैल्शियम का इंटेक करें, नाचनी का यूज़ करो अपने कैल्शियम में। और मिल्क प्रोडक्ट आप रात को दूध पीने की आदत डालिए, सोने से पहले आप दूध पी लो, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिलते हैं। बोन्स के लिए बहुत अच्छा है ये मिल्क और टर्मरिक डालिए। एंड उसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी हैं जो आप अगर डेली फॉलो करोगे, स्ट्रेचिंग ज़्यादा जितना करोगे आप उतना ही आपकी बोन्स जो हैं वो आपको रिलीफ देती हैं। तो मैं आपको कुछ बताऊंगी आज नी की एक्सरसाइज, एकदम बेसिक है, आराम से कर सकते हैं आप। इस तरह से नी को प्रेस करेंगे, नीचे प्रेस करेंगे और रिलीज करेंगे। हमको नी को लॉक करना है, दबा के नीचे इसको लॉक करना है और धीरे धीरे रिलीज करना है। ये एक्सरसाइज आपके नी के लिए बहुत अच्छी है, बहुत आराम देती है नी पे। तो स्लोली स्लोली प्रेस एंड रिलीज, अगेन प्रेस एंड रिलीज, फिर से प्रेस करेंगे, थोड़ा रुकेंगे, रिलीज करेंगे, अगेन प्रेस एंड रिलीज। आपका ये पोर्शन जो है नीचे ये पूरा टच होना चाहिए मैट के ऊपर। और कभी ऐसा होता है कि आपका पोर्शन ये टच नहीं हो रहा है, कभी यहाँ पे ज़्यादा फैट है, यहाँ पे तो ये गैप रह जाता है, तो इसके लिए आपके पास जैसे कोई मोटा टॉवल हो या कुछ भी हो तो उसको आप नीचे इस तरह से सेट करिए और आराम से इस तरह से प्रेस और रिलीज करिए, तो आपका जो गैप है ये बंद हो जाएगा और ये आपका लेवल में आ जाएगा पूरा। उसके बाद हम करेंगे एंकल स्ट्रेच। इनहेल करते हुए पैरों को आप ले जाओ, फ्लैक्स करेंगे फीट को
एंड एक्सेल. इनहेल एंड एक्सेल. अगेन इनहेल एंड एक्सेल. रोटेशन करेंगे स्लोली स्लोली. 1, 2, 3, 4 and 5. एंटी क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4 and 5. अब हम लेग को स्ट्रेच करेंगे. इस यहाँ से होल्ड करेंगे लोअर थाई से. फिर स्लोली स्लोली अप एंड डाउन इस तरह से. इसमें भी नी को अनलॉक और लॉक करेंगे. 3, 4, 5, 6, 7. अच्छे से पैर को स्ट्रेच करना है. 8, 9 and 10. थोड़ा होल्ड करेंगे. नी को पूरा लॉक करेंगे एंड होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. रिलैक्स. सेम रेपिटेशन दूसरी लेग के साथ इस तरह से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. होल्ड करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. स्लोली डाउन. अब स्लोली स्लोली टो से होल्ड करेंगे पैर को. धीरे धीरे अप एंड डाउन. अप एंड डाउन. अप एंड डाउन. इसमें भी आपका लेग स्ट्रेट रहेगा. नी आपका कंप्लीटली लॉक रहेगा. डाउन अगेन. अप एंड डाउन. रिलैक्स. सेकेंड साइड भी आप इस तरह से ऊपर ले जाएंगे. नी को लॉक करेंगे. ये पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए आपका स्ट्रेच. अप डाउन. अप एंड डाउन. अप एंड डाउन. अप एंड डाउन. रिलैक्स. थर्ड एक्सरसाइज में नी को बेंड करेंगे और इस तरह से होल्ड करेंगे. ऐसे होल्ड करेंगे और पूरे नी को और ये साइड को पूरा स्ट्रेच करेंगे हम लोग, क्योंकि जॉइंट पेन के लिए हम काम कर रहे हैं. तो स्ट्रेच करेंगे अब तरफ. प्रेस करेंगे इस तरह से. प्रेस करेंगे स्लोली स्लोली. प्रेस एंड रिलीज कर देंगे. सेकेंड लेग को कैसे उठाएंगे इस तरह से. हाथों को अंदर से लेंगे इस तरह से. प्रेस करेंगे अपनी तरफ एंड धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे. अब हम दोनों लेग के साथ इस तरह से हाथों को पीछे लेंगे एंड स्लोली स्लोली प्लेस करेंगे ऐसे. 1, धीरे धीरे 2, स्ट्रेच नहीं देना है, आराम से स्लोली स्लोली. 3, 4, अपनी नी को हमें एक्टिव रखना है. 5, 6, 7, 8, 9 and 10. इसके भी रेपिटेशन आप कर सकते हो. 3 रेपिटेशन किए 4 किए 5 किए. इट्स अप टू यू. इसके बाद पैर को होल्ड करेंगे और हम पैर को फ्रंट ओपन करेंगे, क्योंकि नी और जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग ही लगता है. स्ट्रेचिंग जितना स्ट्रेचिंग करेंगे आप उतना ही आपके जॉइंट एक्टिव हो जाते हैं, स्ट्रेंथ मिलती है हमको. इस तरह से पैर को होल्ड करेंगे. और कई बार ऐसा भी होता है कि आप पैर को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास कुछ स्ट्रैप मिलेगा इस तरह का, या कोई टॉवल या दुपट्टा रहेगा, तो उससे आप इस तरह से आप पैर को होल्ड करिए और अपनी तरफ पुल करेंगे इस तरह से. 1, 2, 3. लेकिन आपका नी स्ट्रेट होना चाहिए, नी एकदम सीधा रखना है. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. इस तरह से होल्ड करेंगे. होल्ड करके रखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and slowly release करेंगे. सेम सेकंड लेग के साथ करेंगे.
पैर को इस तरह से होल्ड करेंगे, अप स्लोली स्लोली अप, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो नी शुड बी स्ट्रेट, नी पे आपको फोकस करना है, आपका नी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, इट शुड बी कंप्लीटली लॉक. होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. नाउ स्लोली डाउन अगेन, नी को बेंड करेंगे और यहाँ अंदर से होल्ड करेंगे. इस तरह हम पैर को साइड ओपन करेंगे, साइड ओपन करेंगे, उससे आपका हिप जॉइंट, आपके नी जॉइंट, आपके एंकल जॉइंट, इनको बहुत रिलैक्स मिलता है. इस तरह साइड होल्ड करेंगे, काउंट करेंगे इस तरह से, इनसाइड एंड आउटसाइड, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and slowly let down. Okay. Now again second leg के साथ करेंगे, इस तरह से leg को bend करेंगे, side open करेंगे, इस तरह से पहले side open, leg straight, knee straight, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. होल्ड करेंगे 10 पे, लेग स्ट्रेट होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and slowly let down. ये तो हो गया आपकी सिटिंग आसन. अभी इसी हम लोग स्वीपिंग आसन भी करेंगे थोड़ा सा. लेग को सिंगल लेग के साथ पहले इस तरह से लेट जाएंगे बैक के ऊपर, हाथों को ऐसे रखेंगे रिलैक्स मोड में और सिंपली सिंगल लेग धीरे धीरे अप एंड डाउन करेंगे. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर लेग स्ट्रेच एंड योर bones, thigh bones and hip bones and very good for joint also. इस तरह से slowly up and down करेंगे, धीरे धीरे up and down हो गया. धीरे धीरे joint को open करने के लिए इस तरह से circle करेंगे, हमारे hip joint को open करेंगे धीरे धीरे, इस तरह से circle करेंगे slowly anti clockwise करेंगे, इस तरह से लाएंगे धीरे धीरे, इस तरह से धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज एंड स्लोली रिलैक्स. सेम विद सेकंड लेग आल्सो, स्लोली अप डाउन, 1 2 3 4. नी को स्ट्रेट रखना है, 5 नी को बेंड नहीं करेंगे, 6 7 8 9 and 10. सर्कल करेंगे धीरे धीरे, हिप जॉइंट को ओपन करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and slowly relax. Again exercise में second, अभी वो exercise में leg को इसे hold करेंगे, leg को इसे hold करेंगे straight, stretch करेंगे leg को पूरा, just raise your head up, exhale and hold करेंगे, hold. यहाँ से भी होल्ड कर सकते हो, इट्स अप टू यू.
नहीं होल्ड होता है तो आप इस तरह से स्ट्रैप यूज कर लीजिए. यू कैन यूज स्ट्रैप. लेग को स्ट्रेट रखना है, इस तरह होल्ड करिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 एंड स्लोली डाउन. सेम सेकेंड लेग के साथ करेंगे. लेग को होल्ड करेंगे अप, लेग स्ट्रेट एंड एक्सेल करते हुए अप इस तरह से होल्ड करिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 एंड स्लोली इनहेल करते हुए डाउन. नाउ नी को बेंड करेंगे थोड़ा सा और स्लोली स्लोली हम लोग लेफ्ट हैंड राइट को टर्न करेंगे. ये भी आपके हिप जॉइंट के लिए, आपके नी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. धीरे धीरे स्लोली स्लोली लेफ्ट हैंड राइट ड्रॉप करेंगे, अच्छे से ड्रॉप करेंगे स्ट्रेच के साथ. इसको थोड़ा और ज्यादा बनाने के लिए थोड़ा पैरों को ओपन करेंगे, लेग को वाइड ओपन करेंगे. हमारे पैर जो है वो मैट की एज पे रहेंगे और थोड़ा और स्ट्रेच देंगे हम लोग अपने हिप को और थोड़ा जॉइंट को ओपन करेंगे इस तरह से. इस तरह से लेफ्ट हैंड राइट स्लोली स्लोली होल्ड करेंगे इस तरह से साइड पे होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 इनहेल कम बैक एंड एक्सहेल अदर साइड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 इस तरह से लेग को स्ट्रेट करेंगे. अब थोड़ा हम लोग चेस्ट के ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा और लेग को स्ट्रेट करेंगे इस तरह से. लेग्स को आप करेंगे पहले और लेग को साइड पे ले जाएंगे इस तरह से. अच्छे से हाथ से पकड़ के लेग को आगे ले जाएंगे. इसमें आपको पूरा हिप जॉइंट आपके और आपके एंकल और नी को बहुत सा स्ट्रेच मिलेगा. होल्ड करेंगे थोड़ी देर यहाँ पे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 वापस लेग को पीछे ले जाएंगे. ट्विस्ट करेंगे पूरा इस तरह से, ट्विस्ट करेंगे. अगेन होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 वापस सेम पोजिशन में आ जाएंगे. अगेन सेकेंड लेग को ले जाएंगे सामने की तरफ ले जाएंगे. स्ट्रेच करेंगे पूरा लेग को इस तरह से, स्ट्रेच करेंगे एंड होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 लेग को वापस लाएंगे और ऑपोजिट साइड ट्विस्ट करेंगे इस तरह से. होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ओके रिलैक्स. वापस आएंगे स्लोली स्लोली. तो इस तरह से आप अगर थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे नी की तो आपके नी पेन और जॉइंट पेन में आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा. लेकिन करिए हमेशा, दिन में कभी भी टाइम निकालिए 10-15 मिनट और जरूर करिए प्लीज़. सो थैंक यू सो मच. वीडियो देखिए, शेयर करिए. हरिओम, ओम शांति. थैंक यू सो मच.